तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज आप देख रहे हैं मटका रेस। ये रेस महिलाओं के लिए होती है और आप देखते रहिए। ये है फर्स्ट राउंड। ये वीडियो आप G24 चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और ये रेस शुरू हो चुकी है। अभी देखिए प्रतिभागी है जोरों शोरों से इसमें भाग ले रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। और अभी थर्ड प्लेस के लिए भी कोशिश जारी है और वो गिर चुके हैं। एक महिला है वो गिर चुकी है और ये टूर्नामेंट भी हो गया। अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका है और सेकंड राउंड में भी जो पहले राउंड में फर्स्ट थे वही फर्स्ट लग रहे हैं मेरे को, वही है। तो वही फर्स्ट है, उनकी बहुत ही अच्छी से वो दौड़ रहे हैं और देखते हैं अब लास्ट में क्या आता है। तो ये देख, और फिर उन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। तो दोस्तों देखिए, अब ये सेकंड जो रेस है 400 मीटर की रेस शुरू हो चुकी है और प्रतिभागी इस रेस में अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखिए तो ये देखी थी आपने जी 400 मीटर की रेस। और अभी आगे दिखाते हैं आपको और बहुत जो प्रतिभागी है यहाँ आए हुए हैं और आपको आगे से आगे दिखाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें और साथ साथ में वीडियो को शेयर कर दें। G24 के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहले मेरा नमस्कार, अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम सानिया है जी। तो सानिया जी, आप यहाँ कैसे आए हो? यहाँ पे लेडीज मटका रेस हो रही है वो हम देखने के लिए आए हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे बहुत इंजॉय हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो आपने कितनी यहाँ पे जो रेस है वो देखी है? अभी कौन सी रेस देखी है? मटका रेस, साइकिल रेस जी, दौड़, बिल्कुल बस यही देखी हमने। हाँ जी, तो बताइए अभी जैसे महिला यहाँ जोरों शोरों से भाग ले रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं भाग ले रही है, उनको अपनी अंदर की कला को बाहर निकाल रही है जी। और यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभागी आए उन्हें देखने के लिए। तो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए जी। तो खेलों से जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महिलाएं आगे बढ़ रही है खेलों के साथ। ठीक है जी, जो महिलाएं यहाँ पे आई है उनको क्या प्रोत्साहन दोगे आप? हम यही प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी अंदर की कला को बाहर निकालना चाहिए। अभी जो अनपढ़ महिलाएं हैं घर पे रहती है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो आज रेस हो रही है? अनपढ़ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, उनको बाहर निकालने का मौका मिलता है। और ये रेस आई बार हमारे कॉलेज में होती है जी, हर साल ये रेस अपने कॉलेज में होती है। यस, तो आप एवरी ईयर इस रेस का आनंद उठाते हो? यस जी। तो आपका धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू। जो है वो एक तो 300 मीटर 400 मीटर रेस और 5 किलोमीटर साइकिल रेस है, और 30 से ऊपर की महिलाओं के लिए मटका रेस, आलू चम्मच और 100 मीटर दौड़ है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले प्रतिभागियों के लिए विभाग की तरफ से जो है 2100, 1100 और 750 रुपये का इनको प्रावधान है। अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो अपने घरों में हैं जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम मोटिवेट करेंगे। वैसे भी हम अवेयरनेस तो बहुत है क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी सभी गांव से महिलाएं जो है पहुंची हैं, और फिर भी हमारे जागरूकता शिविर जो है हर गांव में लगते रहते हैं, अवेयरनेस होती रहती है कि अपने ये जो इवेंट है इसमें भाग लें, क्योंकि साल में एक बार मौका मिलता है तो वो लेना चाहिए जी। धन्यवाद मैम।